hello everyone welcome back to my youtube channel today's video i will be talking about 10th chapter of class 7th respiration in living organism part 2 in this video we will learn about respiration in other organisms. so let's begin like human beings cow buffaloes lizards birds etc also have lungs as their main respiratory organs इंसानों की तरह ही गाय भैंस छिपकली पक्षी आदि का भी उनके मुख्य श्वसन अंगों के रूप में फेफड़े होते हैं बट देर आर सम ऑर्गेनिज्म दैट रेस्पायर थ्रो गिल्स यू माइट हैव सीन ए फीस ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट्स माउथ रेगुलरली देर आर फ्लैप्स ऑन बॉथ साइड ऑफ द हेड गिल्स कैन बी सीन इन साइड दिज फ्लैप्स दिज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फीस

आपने नियमित रूप से एक मछली को मुंह खोलते और बंद करते हुए देखा होगा सिर के दोनों तरफ जो है उसके फ्लैप होते हैं इन फ्लैप के अंदर गिल्स देखे जा सकते हैं ये मछली के श्वसन अंग हैं। मुंह के माध्यम से लिया गया पानी गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन गिल्स में फैलते हुए रक्त में घुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जल में छोड़ा जाता है बटरफ्लाई कॉकरोच मॉस्क्यूटो throughout body. दिस ट्रेकिया ओपन टू द outside through openings called स्पैरकल्स तितली कॉकरोच मच्छर आदि जैसे कीटों के पूरे शरीर में सांस की नली होती है जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं ट्रेकिया का जाल होता है ये ट्रेकिया स्पाइर नामक उद्घाटन के माध्यम से बाहर की ओर खुलते हैं हैव यू एवर थॉट वाई अर्थ वार्मर लिव इन मॉइस्ट शॉइल अर्थवॉर्मर डज नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट इट्स स्किन इज वेरी सॉफ्ट थीन एंड पोरस एंड इट एक्ट लाइक ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या आपने कभी सोचा है कि केचुए नम मिट्टी में ही क्यों रहते हैं केचुए का कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होता है लेकिन इसकी त्वचा बहुत कोमल पतली और छिद्रयुक्त होती है और यह श्वसन अंग की तरह ही काम करता है लीचेस एंड फ्रॉक्स आंसू रिस्पायर थ्रू द स्किन बट वेन ए फ्रॉक कम्स आउट ऑफ वाटर एंड ऑन टू द लैंड इट रिस्पायर थ्रो लंग्स लीच और मेंढक भी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं लेकिन जब एक मेंढक पानी से बाहर निकलता है और जमीन पर रहता है तो यह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है सो डियर स्टूडेंट दिस टॉपिक इज ओवर आई होप यू अंडरस्टैंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग